एक बाप का फर्ज होता है उसकी बेटी को प्यार देना, उसे दुलार करना, उसकी परवरिश करना, उसका ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया हूं बेटा। मैं तुम्हारे लिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हो सके तुम मुझे माफ कर देना बेटा। तुम हमें इतने ही सालों के बाद मिली हो, अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं, तुम यही रहोगी हमारे साथ, हमारे पास। रानी बेटी, बचपन से ही एक बहन चाहता था मैं, आज मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई। ये लो, पिछले 25 साल से ये कलाई सूनी थी, इस पर आंखें बांध दो प्रीति। मैं वादा करता हूं आज के बाद तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारे आसपास दुख भटकेगा भी नहीं। ये वादा सिर्फ निहार का नहीं, मेरा भी वादा प्रीति। थैंक यू भैया। थैंक यू माँ। थैंक यू पापा। तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। माँ जी, आज तक मैंने आपकी कभी किसी बात को नहीं टाला, लेकिन अब आप मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख सकती। प्रीति, तुम्हारा तुम्हारे परिवार में स्वागत है। सॉरी, मैंने आप लोगों को इतनी तकलीफ दी, दादी के चक्कर में आप सबको इतना गलत समझा, लेकिन अब मुझे मेरा परिवार मिल चुका है, आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, पर मुझे मेरे किए पे नहीं, माफ कर दीजिए। नहीं प्रीति, अपनों से माफी नहीं मांगते, प्यार और आशीर्वाद मांगते हैं। जो ये पूरा घर अब तुम्हें भर भर के देगा। Thank you.
थैंक यू। माँ, मैंने प्रीति से उसकी पसंद नापसंद सब पूछ लिए, तो आज नाश्ता उसके ही पसंद का बनेगा। ठीक है, और नाश्ते के बाद मैं अपनी बेटी को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगी। उसका जो मन करे उसे खरीदने दीजिएगा पूनम। ये भी कोई बोलने की बात है? मेरी बेटी का जो जी करेगा वो खरीदेगी, और उसके बाद मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। डॉक्टर के पास क्यों? इसके चेहरे के दाग के ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रीटमेंट के बाद ना मेरी बेटी के चेहरे पर दाग रहेगा और ना ही इसकी जिंदगी में। मॉम, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार प्रीति से पूछ तो लीजिए। बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? निहार जी, दादी जी से कल से किसी ने बात नहीं की है, एक बार उनसे। रुचिता प्लीज। दादी ने जो किया उसके लिए उन्हें इतनी जल्दी माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लीज इस बारे में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर। लाओ मैं रख दूं। खाटू श्याम जी, मेरे परिवार की खुशियां ऐसे ही बनाए रखिएगा, इस पे किसी की बुरी नजर ना लगे प्लीज। रितु, वो कलश उठाओ और उसमें जो जल है ना घर के हर कोने में छिड़क दो। जी मैम। ये कलश का जल मेरी बेटी को हर बुरी नजर से बचाएगा। माँ, मैंने घर के कोने कोने में जल छिड़क दिया है। ठीक है, इसे वहां रख दो। अब मैं और प्रीति शॉपिंग के लिए निकलते हैं। प्रीति,